पूर्णिया पहुंचे जन सुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो एक घंटे के अंदर शराबबंदी के कानून को उठाकर फेंक देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी के बाद होम डिलीवरी चालू है, जिसका पैसा नेताओं और शराब माफियाओं के पास जा रहा है। शराबबंदी कानून में ज्यादातर पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोग जेल में बंद हैं। भैया शराबबंदी हमने 100 बार कहा, बिहार में एकमात्र आदमी हम हैं जो कह रहा है कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो एक घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इससे फर्जी कोई कानून यहाँ लागू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू हो रही है और बिहार की गरीब जनता का हर बरस 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, शराब माफिया के पास। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल, लोगों ने कहा कि अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। हम आपको बता रहे हैं, यही फर्क है जन सुराज में और दूसरे में, वोट मिले या न मिले। अगर हमको लगता है कि शराबबंदी गलत है तो शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि विपक्ष में है तो कह रहे हैं शराबबंदी हटना चाहिए और सत्ता में आए तो वही शराबबंदी में अच्छा लगने।